नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज बज। और आज के वीडियो में हम रिव्यू करेंगे किरण प्रकाशन के एक बहुत ही अच्छे करंट अफेयर की बुक का। दोस्तों हम रिव्यू करेंगे और ये बुक आपको वार्षिकांक में देखने को मिलेगा और हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में ये बुक आपको देखने को मिल जाएगा। दोस्तों दोनों का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और 2023 का ये वार्षिकांक है जिसमें मई 2023 तक अप टू डेटेड करेंट अफेयर आपको देखने को मिलेगा। मार्च 2022 से लेके मई 2023 तक के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे करंट अफेयर के। और यहाँ पे दोस्तों जो नरेंद्र मोदी का मन का बात जो होता है हमारे प्रधानमंत्री, उसको भी शामिल किया गया है। ठीक है, 800 MCQ आपको देखने को मिलेंगे, SSC के परीक्षा के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे और इसके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है दोस्तों। साथ में रेलवे जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम होते हैं उनके लिए ये बेस्ट बुक माना जाता है करंट अफेयर का। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में देखने को मिल जाएगा। किरण प्रकाशन का ये बुक है करंट अफेयर वन लाइनर के साथ साथ आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट और कुछ इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बहुत ही ज़्यादा शानदार बुक है दोस्तों। मेमोरी शार्पनर प्लस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ ये बुक है SSC के। ठीक है, अब दोस्तों आप देखेंगे इस बुक का केवल MRP 60 रुपये है जिसपे आपको ऑनलाइन ऑफलाइन डिस्काउंट मिल जाएगा। बुक बहुत शानदार है दोस्तों और यहाँ पे दोस्तों आप देखेंगे 128 पेज आपको इस बुक के अंदर देखने को मिलने वाला है। चलिए इस बुक के अंदर के कंटेंट को अगर हम देखें तो अंदर में सबसे पहले आपको बताया गया कि 800 MCQ के साथ वन लाइनर करंट अफेयर के क्वेश्चन, साथ में मेमोरी शार्पनर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने को मिलेगा और केवल 60 रुपीज MRP है। अब यहाँ विषय सूची को देखिएगा। सबसे पहले विषय सूची को देखिएगा तो विषय सूची में मन की बात है, कार्यक्रम के बारे में कुछ जानकारी, नई विदेश व्यापार नीति, केंद्रीय बजट आर्थिक बजट है, उसके बाद ऑब्जेक्टिव भी देखने को मिल जाएगा, आर्थिक सर्वेक्षण, उसके बाद उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 74वां गणतंत्र दिवस, उसके बाद उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वन लाइनर करंट अफेयर पूरे 15 महीने का मिलता है इसमें, एक साल से भी ज़्यादा, और करंट अफेयर MCQ पूरे 15 महीने का, और SSC के ने अभी हाल फिलहाल में जो भी करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे हैं उनका कलेक्शन आपको देखने को मिलेगा इस एक बुक में। अब दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पे किरण पब्लिकेशन का एक बुक में मुझे खासियत देखने को मिलती है कि उन्होंने सारे एग्जाम को कवर किया होता है जिससे आपको पता चल जाएगा कि कौन से एग्जाम में कौन से टॉपिक से करंट अफेयर के कितने क्वेश्चन पूछे गए। अब जैसे आप देखेंगे तो राष्ट्रीय इवेंट से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं, उसके बाद व्यक्ति स्थान पुरस्कार सम्मान से भी बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, खेलकूद से भी बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इन सब टॉपिक से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये एक आइडिया आप लगा सकते हैं और इस हिसाब से अपने तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। अब दोस्तों ये देखिएगा CGL एग्जाम को कवर किया गया, बहुत ही शानदार तरीके से कवर किया गया है। इसी तरह एक टेबल दिया गया है और आपको पता चल जाएगा कि कौन से एग्जाम में कितने नंबर के कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, अब दोस्तों इस एडिशन में आपको मन की बात भी शामिल किया गया, प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा जो भी बोला जाता है, पहला एपिसोड हो गया, 100वां एपिसोड हो गया, तो ये इंपॉर्टेंट है कि 100वां एपिसोड से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, फर्स्ट एपिसोड से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, 25वां से 50वां से 75वां से और 100वां एपिसोड से पूछा जा सकता है कि मन की बात का जो 100वां एपिसोड है वो कब हुआ था, तो 30 अप्रैल 2023 को हुआ था, तो ये बिल्कुल अभी की घटना है। और इसमें क्या क्या मतलब व्याख्या हुआ था, क्या क्या डिस्कशन हुआ था, वो सारा कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे नई विदेश नीति के बारे में जानकारी आपको देखने को मिल जाएगा, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर किया जाता है। केंद्रीय बजट 2023-24 आपको देखने को मिल जाएंगे यहाँ पे, सारा कुछ जानकारी, उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, उसके बाद दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पे आर्थिक सर्वेक्षण 2023 आपको देखने को मिल जाएगा काफ़ी अच्छे तरीके से, उसके बाद इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे, उसके बाद दोस्तों 74वां गणतंत्र दिवस यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसके भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे काफ़ी बेहतरीन तरीके से, उसके बाद वन लाइनर करंट अफेयर 15 महीने का यहाँ कवर किया गया, राष्ट्रीय इवेंट है यहाँ पे, तो राष्ट्रीय इवेंट आपको टॉपिक वाइज देखने को मिलेगा। सबसे पहले राष्ट्रीय जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे पूछा गया कि गुजरात और महाराष्ट्र ने अपना 63वां स्थापना दिवस से किस तिथि को मनाया था, तो 1 मई 2023 को मनाया था, तो सारा कुछ आपको इसमें देखने को मिलेगा। साथ में मेमोरी शार्पनर भी देखने को मिलने वाला है, यहाँ दोस्तों देख सकते हैं मेमोरी शार्पनर, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं उनका कलेक्शन होता है यहाँ पे। जैसे ये क्वेश्चन देख दोस्तों देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है यहाँ पे कि 100वां विद्युतकृत रेलवे नेटवर्क वाला भारत का पहला राज्य कौन बना, तो हरियाणा बन गया, तो ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो उनका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो क्वेश्चन है ना वो अलग से कलेक्शन इन्होंने तैयार कर दिया। ठीक है, तो सारे टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ये राष्ट्रीय घटनाक्रम आपको देखने को मिल रहा है शुरुआत में, क्योंकि राष्ट्रीय घटनाक्रम से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। और मैंने तैयारी किया इस बुक से, मुझे काफ़ी ज़्यादा फायदा होता है दोस्तों इस बुक से, तो इस बुक से आप तैयार कर सकते हैं। ठीक है, और आगे चलते हैं हम लोग,
तो राष्ट्रीय घटनाक्रम आपको काफ़ी लंबा देखने को मिलेगा। अब दोस्तों यहाँ देखिए अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम शुरू हो गया है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के भी काफ़ी सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मेमोरी शार्पनर आपको जगह जगह देखने को मिल जाएगा, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन है, ठीक है ना। तो इसी तरह से आर्थिकी हो गया, ठीक है। आर्थिकी के बाद आपको टॉपिक वाइज आपको सारा वन लाइनर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। खेलकूद हो गया, खेलकूद के बाद सारे कुछ आपको टेबल के सहित आपको स्टैटिक जानकारी के साथ आपको पूरा इस टॉपिक को कवर किया गया है, ठीक है। उसके बाद फिल्म फेयर अवार्ड हो गया, जितने भी पुरस्कार सम्मान हो गया, ठीक है ना। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार हो गया, बुकर पुरस्कार हो गया, कुछ इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है ना उनको भी कवर किया गया है। साथ में दोस्तों आप देखेंगे करंट अफेयर एमसीक्यू भी देखने को मिलेगा, काफ़ी बेहतरीन तरीके से करंट अफेयर एमसीक्यू को कवर किया गया है। ये भी टॉपिक वाइज आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले राष्ट्रीय, उसके बाद राष्ट्रीय के आपको लगभग 140 क्वेश्चन मुझे लगता है कि देखने को मिलेगा। देखिए 140 क्वेश्चन, उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय के भी 100 क्वेश्चन होने चाहिए मुझे जहाँ तक लगता है। अंतर्राष्ट्रीय का देखिए 100 क्वेश्चन, उसके बाद आर्थिकी, आर्थिकी के कुछ कम क्वेश्चन होंगे, नहीं आर्थिकी के भी अच्छे खासे क्वेश्चन है, 125 क्वेश्चन आर्थिकी के हैं। उसके बाद व्यक्ति स्थान पुरस्कार सम्मान, इसके भी काफ़ी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे क्योंकि एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, 140 क्वेश्चन। उसके बाद आंसर की आपको देखने को मिलेगा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, साइंस और टेक, यहाँ 65 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद खेलकूद, खेलकूद में आपको कितने क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, 100 क्वेश्चन, और मिसलेनियस में आपको 30 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। और ये एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कलेक्शन आपको देखने को मिलने वाला है यहाँ पर, ठीक है ना। ये भी टॉपिक वाइज आपको देखने को मिलेगा, सबसे पहले राष्ट्रीय देखने को मिलेगा, फिर उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय देखने को मिलेगा, उसके बाद व्यक्ति स्थान पुरस्कार पुस्तकें देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। सारा कुछ आपको देखने को मिलेगा, खेलकूद, साइंस और टेक हो गए और मिसलेनियस हो गए, तो सारा आपको टॉपिक वाइज देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद आंसर की आपको देखने को मिलने वाला है। सो सारे टॉपिक को दोस्तों काफ़ी बेहतरीन तरीके से कवर किया गया है। दोस्तों ये बुक काफ़ी ज़्यादा बेहतर है, इस बुक को आप परचेज़ कीजिए, ठीक है। ये बुक आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में मिल जाएगा, ठीक है। किरण पब्लिकेशन के और भी बुक आते हैं जिनके बारे में हम जान लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे तो ये कुछ फेमस बुक है उनको देख लेते हैं। जैसे ये देखिए मैथमेटिक्स का ये बुक आता है, अभिनय शर्मा सर का, बहुत ही बेहतरीन बुक है। उसके बाद इंग्लिश ग्रामर का ये बुक है, रीजनिंग का बुक है, और ये कंप्यूटर नॉलेज का बुक है। ये चारों बुक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे ये विपिन सिन्हा सर का इंग्लिश का बुक है, रीजनिंग का बाइलिंगुअल बुक आता है अभिषेक सर का, उसी तरह अभिनय सर का आता है बाइलिंगुअल मैथ्स का, ठीक है। ये चारों बुक का मैंने रिव्यू किया दोस्तों। इस बार टीसीएस के क्वेश्चन को इंक्लूड किया गया और बहुत ही अच्छे बुक है, एसएससी के टॉपर्स इस बुक को प्रीफर करते हैं। रीजनिंग इंग्लिश से सामान्य अध्ययन और मैथ है, ये चारों बुक बहुत ही फेमस बुक है एसएससी के। अगर केवल टीसीएस के क्वेश्चन चाहिए तो इन बुक को देख सकते हैं, एसएससी प्रीवियस ईयर, टीसीएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। बहुत ही अच्छा बुक है ये चारों बुक, ठीक है। ये एग्जाम वाइज आता है, जैसे सीजीएल का हो गया, सीएचएसएल का हो गया, एमटीएस का हो गया, सभी एग्जाम के लिए अलग अलग ये बुक आते हैं, ठीक है ना। तो इनको चाहे तो आप ले सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों वीडियो में अगर कोई डाउट रह गया होगा तो आप लोग कमेंट करके मुझसे पूछिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करके, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिएगा। आशा करता हूँ कि आज का दिन आप लोग का काफ़ी अच्छा रहे। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, थैंक यू।